हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इजी लाइफ विद सौम्या। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जबरदस्त सूजी पोहा से बना हुआ स्वादिष्ट नाश्ते की रेसिपी। बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट बनता है, इसके आगे ना इडली डोसा भी आपको फीका लगेगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ लिया है 1 कप सूजी, और ये सूजी मोटा वाला सूजी है। और इसमें हम डालेंगे दही 1 कप, और नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें 1/2 कप गुनगुना वाला पानी डालेंगे। थोड़ा सा गुनगुना पानी डालने से ना बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। देखिए इस तरह अच्छे से मिला लेंगे। इसे मिलाने के बाद इसे ढककर 10 मिनट के लिए ऐसे ही रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। अभी मैंने लिया है पोहा। 1 कप पोहा को 2 बार धोकर भिगो दिया था पानी में। अभी ना इसमें से सारा पानी निकाल लिया है मैंने। ये बिल्कुल अभी सॉफ्ट है। अभी हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून दही, और पानी डालेंगे जितना ज़रूरत हो उतना पानी डालेंगे, और इसका महीन पेस्ट बना लेंगे। देखिए फाइन पेस्ट बन गया है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाया है। अभी सूजी भी देखते हैं, सूजी का बैटर भी है जो सॉफ्ट हो गया, अच्छे से सेट हो गया है। अभी इस बैटर में हम पोहा वाला पेस्ट भी डाल लेंगे। फिर से मिलाएंगे, जरूरत हो तो थोड़ा सा पानी और डालेंगे। बहुत ज़्यादा गाढ़ा या बहुत ज़्यादा पतला बैटर नहीं चाहिए। जो हम इडली बनाने में बनाते हैं ना बैटर, उस तरह का टेक्सचर चाहिए। देखिए अभी एकदम ठीक है। अभी इसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे, और फिर एक ट्रे या प्लेट को हम ग्रीस कर लेंगे ऑयल से। आप जिसमें भी आप बनाना चाहते हो यह नाश्ता, कोशिश कीजिएगा थोड़ा डीप और थोड़ा सा बड़ा वाला प्लेट लेने के लिए। मेरे पास इससे बड़ा वाला नहीं था तो ये लिया है मैंने। अभी 1 बाउल लेंगे बैटर का, और उसमें इनो डालेंगे। 1/2 पैकेट डाला है, 1/2 बचा के रखेंगे दूसरे वाले बाउल में डालने के लिए। अभी इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। जो हमने ग्रीस करके रखा हुआ था ना उसमें डाल लेंगे बैटर। इनो डालने के बाद ज़्यादा देर ऐसे रखना नहीं है, तुरंत से बैटर पका लेंगे। अभी इसे स्टीम कुक करना है। स्टीम कुक करने के लिए मैंने 1 बर्तन में 2 कप पानी और इस तरह स्टैंड लगा के पानी गर्म करने के लिए रख दिया था। अभी ये वाला टिन रखेंगे और इसे ढककर 5 से 7 मिनट के लिए स्टीम कुक करेंगे, वो भी हाई फ्लेम में करेंगे। देखिए 7 मिनट हो गया है, और ये पूरा पका नहीं है लेकिन इस तरह से सेट हो गया है। अब एक कढ़ाई में मैंने डाला है 1 चम्मच तेल। तेल गर्म हो जाए तो हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1/2 चम्मच, और हरी मिर्च महीन काट के डाला है 1 टीस्पून। थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। अभी मैंने यहाँ डाला है कुछ सब्जियाँ। प्याज डाला है 1/4 कप, गाजर 1/4 कप, और कैप्सिकम 1/4 कप। सारे को महीन महीन काट के डाला है। गाजर को मैंने कद्दूकस करके डाला है। अभी इन सबको हाई फ्लेम में 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। अभी ये फ्राई हो गया है। अभी इसमें हम डालेंगे आलू। 2 आलू को बॉईल करके इस तरह कद्दूकस कर लिया है मैंने, और इसमें डाला है नमक स्वाद के अनुसार, और हल्दी पाउडर 2 पिंच डाला है, चिल्ली फ्लेक 1 चम्मच, और गरम मसाला डाला है 1/2 चम्मच। थोड़ा सा धनिया पत्ता भी डाल लेंगे, और अच्छे से मिक्स करेंगे। और बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है क्योंकि आलू भी उबला हुआ है। सिर्फ एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे और उतार देंगे। ये मिक्स हो गया, गैस को ऑफ कर लेते हैं। और ये जो टिन है ये भी थोड़ा सा ठंडा हो गया है, इसमें पूरा आलू को स्प्रेड कर लेंगे। अच्छे से एक समान स्प्रेड करेंगे। अभी इसके ऊपर मैंने टमाटो केचप डाला है, ये ऑप्शनल है। आप यहाँ पर हरी चटनी भी डाल सकते हैं।
अभी लेंगे दूसरा वाला बाउल जो इसमें दूसरा सूजी का बैटर था, जो बचा हुआ इनो है वो भी डाल लेंगे। फिर से एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। फिर बैटर को इसके ऊपर डाल लेते हैं, आराम से डालिएगा और जितना ज़रूरत हो उतना ही डालेंगे। बाकी का बचा हुआ आप अलग से उसे स्टीम कुक कर सकते हैं, क्योंकि हमें पूरा भरना नहीं है, ये पकने के बाद ना थोड़ा फूलेगा ऊपर से। इसे भी अभी स्टीम कुक कर लेंगे। पानी फिर से मैंने गर्म कर लिया है। इस ट्रे को रखकर ढककर हाई फ्लेम में 10 से 12 मिनट के लिए पका लेंगे। ये अच्छे से पक गया है, इसे निकाल लेते हैं। थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, बाद में इसे डीमोल्ड करेंगे। देखिए कितना आसानी से निकल जाएगा, ये बिल्कुल स्पॉन्जी बना है। अभी इसे स्लाइसेस में काट लेंगे। आप चाहो तो इसे ऐसे ही चटनी के साथ खा सकते हो या रोस्ट करके भी खा सकते हो। अभी हम इसे रोस्ट कर लेते हैं। तवा को पहले गरम कर लिया है और इसमें 2 चम्मच तेल डाला है। तेल जब गरम हो जाए तो हम इसे दोनों तरफ से अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। तो 2 मिनट पकाया है दोनों तरफ। देखिए अच्छे से कलर चेंज हो गया इसका। इसी तरह बाकी के स्लाइसेस को भी हम रोस्ट कर लेंगे। सूजी और पोहा का स्वादिष्ट चटपटा सा नाश्ता बनके तैयार है। आप इसे किसी भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं या टमाटर केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।